हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि पूरे देश के लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद में पूरे देश के लोगों को राहत और तोहफा मिल चुका है, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश के लोगों को बिजली बिल से निजात मिलने वाली है और मोदी सरकार पूरे देश के लोगों का बिजली का बिल माफ करने वाली। और इसी कारण पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरे देश के लोगों को मोदी सरकार की सौगात मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि आपका किस प्रकार से बिजली का बिल माफ होगा और आपको किस प्रकार से बिजली बिल माफी योजना का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और बिजली बिल माफी योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में पूरे देश के लोगों का भला हो चुका है और पूरे देश के लोगों को मोदी सरकार की राहत मिल चुकी है। तो आम आदमी पार्टी ने जो है जनहित में बड़ी मांग की, और यहाँ पर मोदी सरकार से और योगी सरकार से मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भीषण संकट से जूझ रहे लोगों के 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाए। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि 3 महीने तक के स्कूलों की फीस भी माफ की जाए मोदी सरकार के द्वारा और योगी सरकार के द्वारा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और मोदी सरकार से मांग की है, जहां पर देश में 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाए, ये बहुत ही बड़ी सलाह दी है। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग की है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों पर 3 महीने की फीस लेने पर रोक भी लगाए, यानी पिछले 3 महीनों की जो है स्कूल की फीस को माफ करे सरकार। ये भी बहुत ही बड़ी मांग की है आम आदमी पार्टी ने, और इसी कारण पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरे देश के लोगों का भला हो चुका है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में किए गए लॉकडाउन को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार से बड़ी मांग की, और आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि लॉकडाउन के बीच सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आम आदमी का ख्याल रखे, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि लोगों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाए। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता तुषार श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार स्कूलों की फीस माफ की करे, ये भी बहुत ही बड़ी यहां पर सलाह देखने को मिली है। तो दोस्तों, एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव तुषार ने कहा है कि देश में लोगों के कारोबार बंद है, लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे और लोगों को परिवार चलाने का संकट, और ऐसे मुश्किल समय में प्रदेश में निजी स्कूलों के मालिक अभिभावकों से फीस के लिए लगातार मैसेज भेजकर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और आगे तुषार ने कहा है कि ऐसी शिकायतें भी आ ये कि स्कूल किताबें तक खरीदने के लिए अभिभावकों को कमीशन के लिए बुक सेलर का नाम बता रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि सरकार संकट के समय में बच्चों की 3 माह की फीस माफ करे, और साथ ही जो है यहां पर घरेलू बिजली के 3 माह के बिजली के बिलों को भी माफ करे। ये भी बहुत ही बड़ी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिली है, जिसके बाद में पूरे देश के लोगों का कल्याण होने वाला और पूरे देश के लोगों का भला होने के साथ ही पूरे देश के लोगों को पीएम मोदी का और भारत सरकार का तोहफा मिलने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से ये बिजली बिल माफी योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी थी, जिसके बाद में पूरे देश के लोगों को बिजली बिल से निजात मिलने वाली है और पूरे देश के लोगों का भारत सरकार के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा पूरा का पूरा बिजली का बिल माफ किया जाने वाला है। दोस्तों, यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को
अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।